बालाघाट में हनुमान चौक से सरेखा तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज और बगल में ही चल रहे अंडरपास के काम की वजह से लोगों की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ जहां फ्लाईओवर का काम तेज गति से चल रहा है, तो वहीं अंडरपास का काम कछुआ चाल से रेंग रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एक महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा। उधर लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर से पहले अंडरपास का काम पूरा किया जाना चाहिए था। अब लोगों को डर सता रहा है कि अगर बारिश से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो फिर हर तरफ तालाब बन जाएगा। लोगों की परेशानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता रूपेश श्रीवास्तव। देखिए, अंडरपास को लेकर के जब हम लोगों ने निरीक्षण किया था, मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो हम लोगों ने उनको अप्रैल तक का समय दिया था, जो कि लगभग लगभग पूरा हो गया। हम लोगों ने विभाग को और रेलवे अथॉरिटीज को, उनके इंजीनियर्स को नोटिस जारी किया हुआ है। एसडीएम साहब उस पर संज्ञान लेकर के पब्लिक न्यूज में हो सकता है केस भी दर्ज करें, एक बार उनकी रिप्लाई आ जाएगी। बालाघाट शहर का मुख्य यातायात को जाम करने वाला जो जगह था वह सरेखा कोसी रेलवे फाटक कहलाता है। आज यहां पे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इस रोड को डायवर्ट किया गया था इसके पीछे वाली रोड से, और यह कहा गया था कि यहां से अंडरपास बना के रेलवे के द्वारा एक यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। लेकिन बड़े जो रेलवे फाटक था उसे सरेखा रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया, और अंडर ब्रिज जो बनाया जा रहा था इसका कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि आने वाला समय सभी जानते हैं कि बारिश का है, और जो हमारी बाईपास रोड है वो भी गर्रा से नवे गांव तक क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद इस रोड का भार बढ़ते जा रहा है, और आने वाले समय में जब बारिश होगी तो यहाँ पे व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती जाएंगी। आइए, कुछ नागरिक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या भैया ये जो अंडरपास बन रहा है इसके बारे में क्या है। ये जो अंडरपास बन रहा है विगत 6 महीने से हम देख रहे हैं कि इसकी प्रगति बहुत ही धीमी है, और क्योंकि हमारा बालाघाट शहर बहुत ही छोटा है, और मुख्य मार्ग जो कि आप देखते हैं कि ये जो सरेखा और गोंदिया रोड का जो गोंदिया को जोड़ता है, और सरेखा और पुष्पी बस्ती यहाँ पर, तो ये यहाँ से अधिकांश आबादी जो है शहर को जोड़ती है, और जब ये अंडर पास का निर्माण नहीं हुआ तो यहाँ से जो रहने वाले रहवासी हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय सीमा रेलवे ने जो निर्धारित किया था उस समय सीमा के अंदर इस अंडर पास को बन के तैयार हो जाना चाहिए था। चूँकि अभी गर्मी का मौसम अप्रैल महीना समाप्त होकर मई आ गया, जून माह से बारिश चालू हो जाएगी, तो बारिश के समय यहाँ पर पानी भरने की पूरी संभावना है, और जैसा आप देख रहे हैं कि इस मार्ग पर इतनी धूल है, तो इस धूल के चलते भी इस रास्ते के जितने व्यापारी हैं वो तो सारे परेशान हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मुझे रेलवे प्रशासन की बहुत ही लापरवाही समझ में आ रही है कि जो बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है, जबकि हम ये जानते हैं कि रेलवे अपने अनुशासन और समय के लिए काम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये किस प्रकार का प्रशासन, ये किस प्रकार के अधिकारी इस काम को देख रहे हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपको? श्याम पटवारी। ये जो अंडर पास बन रहा है इसको काफ़ी टाइम लग रहा है, इसको पहले बनना चाहिए था, क्या आपको? देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब अपन अपना मकान बनाने के लिए तोड़ते हैं अपना मकान, तो सबसे पहले अपन अपने रहने की एक अलग से व्यवस्था बनाते हैं, कि चाहे वो किराए पे हो चाहे रेंट पे, जैसा भी अपन एक मकान लेते हैं, उसके बाद अपन मकान को डिसमेंटल करते हैं। ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा दोनों काम एकदम स्टार्ट कर दिए, अंडरपास भी है ओवरब्रिज भी ना, यानी ये दो नाव की सवारी वाला काम हो गया। सबसे पहले अंडरपास बनाकर लोगों के आने जाने की व्यवस्था बनाना था, उसके बाद ब्रिज की बात करते हैं अपन, कि चलो उसके बाद अपन ओवरब्रिज की बात करते हैं। ये पता नहीं किस टेक्निक के हिसाब से, मुझे ऐसा चुनावी जो माहौल था, चुनावी साल था, उस चक्कर में ना इन्होंने सोचे ना समझे, लोगों की तकलीफों को बगैर सोच समझ कर अंडरपास का भी काम चालू कर दिया, ओवरब्रिज का काम चालू कर दिया। आज आप अगर फाटक बंद हो गया, आप 10 मिनट पहले ट्रेन गई, 1-1 घंटे तक यहाँ पर लोगों का जाम पड़ा रहता है। ट्रेनें तो चलो ठीक है, जिस दिन वो दिन में 10 बार जब भी जाती है मालगाड़ी वहाँ, उस समय आप देखने का रहता है, अगर कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट होगा वो मर जाएगा, लेकिन वो वहाँ तक अस्पताल तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ये स्थिति है, गवर्नमेंट ने बगैर सोचे समझे इस तरीके से काम चालू करता चुनावी स्थिति के चक्कर में, उसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने लोग खड़े थे सिवा गालियों के अलावा कुछ नहीं देते गवर्नमेंट से, शहर की मुख्य समस्याओं में आती है, और इसमें दो एक कंट्रोवर्सी बात आई है, जिला प्रशासन इसकी समय अवधि कुछ और बताता है और रेलवे प्रशासन इसकी समय अवधि कुछ और बताता है, लेकिन जो आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ इसको देखने से ऐसा लगता नहीं है कि यह कार्य बरसात के पूर्व चालू हो पाएगा और यह जो बाईपास है यह प्रारंभ हो पाएगा। हमारे साथ कुछ रेलवे के कर्मचारी अधिकारी हैं, आइए इनसे जान। कौन भाई साहब, आप रेलवे से हैं?
देखिए आपको बताऊं, रेलवे का ये सब कर्मचारी हैं, लेकिन बताने से ये इनके मन में जो भी हो भय है या जो भी कहूँ, ये बताने नहीं रहे हैं। और यह कार्य मुझे नहीं लगता कि बरसात के पहले प्रारंभ हो पाएगा। रुपेश श्रीवास्तव, NDTV बालाघाट।